मेरा बच्चा अलग है इस बात का सबसे पहले मुझे एहसास तब हुआ जब हम उसको कहीं अगर लेके जाते थे तो लोग उसको ऐसे देखते थे जैसे कि या तो ये बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, या ये बात समझता नहीं है, या इसमें कुछ गड़बड़ है। हमारे फैमिली में बहुत बच्चे हैं जो कि माधव के ही उम्र के हैं और बचपन से ही वो माधव को देखते आ रहे हैं। तो वो मुझसे बहुत इनोसेंट सवाल पूछते थे कि बुआ ये खा क्यों नहीं रहा है, इसको मीठा क्यों नहीं अलाउड है, ये मेरे साथ खेलता नहीं है, ये मुझे देखता नहीं है, ये अपने कान पे हाथ क्यों ऐसे रख लेता है। मेरा बच्चा जो है वो खुश रहे, वो समझा जाए। मुझे अपने बच्चे के लिए एक अलग दुनिया नहीं बनानी, ये दुनिया उसकी है। बाकी सारे लोग जो हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि जितना वो इस दुनिया में रहते हैं उसी के जैसे उनसे अलग लोग भी इस दुनिया में रह सकते हैं। भारत की शिक्षा नीति में प्रावधान है जिनके तहत स्पेशल नीड्स वाले बच्चे आम स्कूलों में पढ़ पाएँ इसके लिए खास इंतज़ाम किए जाएं। यही स्कूल्स वो स्पेसेस हैं जहां पर सभी बच्चे एक साथ उठते बैठते हैं, साथ पढ़ते हैं, लेकिन इनकी तादाद कम है और ये हर वर्ग की पहुंच में नहीं। फ्रेंड्स ऐसे नहीं बनते थे बिकॉज दे मे बी दे थॉट लाइक शी इज स्लो इन टॉकिंग। सो जब तक हम लोग एक क्वेश्चन या फिर एक बात पूरी करेंगे वो तब तक उसी एक क्वेश्चन में रहेगी। सो मे बी ये होता था, या फिर मैं खुद भी कभी कभार डरती थी कि मैं उनका लाइक जिस लेवल पे वो जितनी स्पीड पे बातें करते हैं मैं शायद उस स्पीड पे बात ना कर पाऊँ, तो हमारी इतनी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं बन पाए। तो इससे मुझे डर लगता था, इसलिए कभी कभार मैं भी नहीं बात करती थी। और स्टार्टिंग में कभी कभार लोग मेरे पास आते भी नहीं थे बात करने के लिए और ना ही खाना शेयर करने के लिए। लोगों का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम मैथ्स और साइंस के पीरियड में स्पेशल एजुकेटर के पास जाते हैं तो सबको लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं मैथ्स, वो सब कहते हैं कि यार तुम्हारा तो सही है कि हमें तो ये भी पढ़ना पड़ता है वो भी पढ़ना पड़ता है। मैं बेसिकली ये समझाना चाहती हूँ ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है।
इस सब ने हमारी दोस्ती पर असर नहीं डाला, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और बोलने लगी, वो बस मुझे फॉलो करता। वो मेरी बात समझ जाता और सिर हिला देता या हाँ या ना कह देता। मैं कहती हूँ माधव ये देखो, तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है।